हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पोको M6 Pro 5G वर्सेस लावा ब्लेज Pro 5G के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। बैटरी रन टेस्ट एंड हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं, साथ ही देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस, कौन FPS बेटर प्रोवाइड करता है। तो देखते रहिए दोस्त वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बोथ फोन्स हैव कनेक्टेड टू सेम वाईफाई। ओके एंड नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले ब्राइटनेस को कंपेयर कर लेते हैं। ओके तो गाइस, यहाँ पे दोनों में वैसे LCD डिस्प्ले, बट क्लियरली भाई लावा ब्लेज प्रो में आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले फील होगा, ये आपको थोड़ा ब्राइटनेस अच्छा प्रोवाइड करा देता है भाई। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, वो गाइस हमारा फ्री फायर मैक्स एक साथ ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस कौन पहले ओपन कर पाता है। वैसे कि इन दोनों के बीच हमने स्पीड टेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा, रैम मैनेजमेंट के भी बारे में आपको मालूम चल जाएगा। ओके एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर थे लावा ब्लेज प्रो, थोड़ा सा पहले लोड किया बट काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल गए। अब दोस्त सबसे पहले यहाँ पे हम प्ले करेंगे लावा ब्लेज प्रो 5G में। ओके गाइस सेटिंग में आपको ले चलूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेटिंग्स को हम फुल्ली मैक्स कर दें। ओके एंड यहाँ से टाइम देख सकते हैं 10:41 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं फिलहाल है 50 पे, तो देखेंगे आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है ये। ओके सो गाइस यहाँ पे बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। सो बहुत ही अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं इस फोन में। सबसे अच्छी चीज़ की गाइस ये 8GB 128GB के साथ ही स्टार्ट होता है और इसका आई थिंक एक ही वेरिएंट ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगा। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, ये भी बहुत ही अच्छा बात हो जाता है इस प्राइस रेंज में स्पेशली। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि Type-C to Type-C देखने को मिलता है, तो ये भी इस एक अच्छा वैल्यू ऐड कर देता है। नेक्स्ट की इस यहाँ पे बात करें तो आपको प्रोसेसर काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, Dimensity का 6020 एंड किस ये आप मतलब मान सकते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 35G है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30 और इसके। शायद से लावा ने इसको रीब्रांड किया है, पता नहीं थोड़ा सा नाम चेंज करके, क्योंकि डिज़ाइन भी देखेंगे तो डिज़ाइन भी भाई सिमिलर ही देखने को मिलता है, बाकी सारे स्पेक्स भी सिमिलर हैं, तो लावा ने आई थिंक पता नहीं क्या किया है, मतलब हमको तो लग रहा है रीब्रांड किया है इन्फिनिक्स के ही फोन को, कैसे भी किया हो बट ऐसा ही लगता है भाई, क्योंकि मतलब स्पेक्स इतने ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकते हैं भाई। और बस यही है कि चार्जर आपको Type-C to Type-C इसमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, सो गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है नो डाउट बहुत ही अच्छा है एंड गाइस इस प्राइस रेंज में क्लियरली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसको एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। मैंने इसका मतलब टेस्ट किया, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, 1 आवर का भी हमने टेस्ट किया था उस टाइम पर, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे बैटरी बैकअप कैसा देगा वो तो आपको बताएंगे, वैसे 1 आवर वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और चीज़ें डिटेल में मालूम चल जाएगी। भाई गाइस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कोई भी लैग जिटर्स देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही सही परफॉर्म करता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, BGMI में भी बहुत ही कमाल परफॉर्म करता है, BGMI इसके जैसा स्मूथनेस इस प्राइस रेंज में अंडर 15,000 शायद ही कोई ब्रांड प्रोवाइड कर पाए, तो ये बहुत ही अच्छा BGMI में स्पेशली चलता है 40 FPS पे। लेकिन इसमें 60 FPS पे ये गेम कर रहे हैं हम प्ले, लेकिन ये 60 FPS नहीं प्रोवाइड करता है, इतना तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ, बट वही बात है कि लैग और जिटर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये एक चीज़ अच्छी लगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, नॉर्मल यूज़ में भी दिक्कत नहीं आती है एंड साथ ही इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी गाइस आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से गाइस आपको नॉर्मल यूज़ में भी कोई भी जिटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, स्मूथ आपको फील होगा UI, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही सही देखने को मिलता है एंड ऐप एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 17 मिनट में ये 5% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है, बैटरी से भी आपको रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही कोई भी हीटिंग इशू भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। अभी सर्दी का मौसम है तो कोई टेस्ट करने का सेंस बनता है नहीं। बाकी अब दोस्तों हम प्ले करते हैं पोको M6 Pro 5G में। ओके सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेटिंग्स हम फुल्ली मैक्स कर दिए हैं, बाकी गेम को स्टार्ट करते हैं। टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे 10:59 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 61 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। ओके सो अब इस फोन के स्पेक्स की बात की जाए तो क्लियरली भाई यहाँ पे लावा बाजी मार जाता है, क्योंकि लावा के पास आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और लावा आपको कितना 13.5 का अप्रॉक्स में 13,000 का अप्रॉक्स में 8128 प्रोवाइड करता है, बट ये 13,000 में आपको 6128 प्रोवाइड करता है, तो लावा थोड़ा सा आपको बेटर वैल्यू ही प्रोवाइड कर दे रहा है।
नेक्स्ट गाइस यहाँ पे बात करें तो सिर्फ यहाँ पे आपको 18 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है, बट लावा में जैसा कि आपको पता है कि 33 वाट का देखने को मिलता है। वैसे दोनों में ही सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, एंड गाइस सिंगल स्पीकर दोनों का मतलब ठीक ही है, उतना ज़्यादा दोनों का बढ़िया नहीं है, बट गाइस अच्छे हैं सिंगल स्पीकर के हिसाब से, सही देखने को मिल जाते हैं। ओके दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट बात करें स्पेक की, सो 5000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है। अब प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो कि गाइस 4 Gen 2 है, एंड गाइस ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा N22 स्कोर भी अचीव कर पाता है, जो 6020 है उससे भी बेटर ये N22 स्कोर अचीव कर पाता है। और गाइस यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सेंसिटिविटी वगैरह अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड इसमें वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है, ये भी एक एडवांटेज है। लावा में आपको कोई भी गेम मोड जैसा मतलब देखने को मिलता है, बट उसमें वॉइस चेंजर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे पोको के पास ये एक एडवांटेज हो जाता है, जो वॉइस चेंजिंग के लिए बाई करना चाहते हैं वो ये फ़ोन ले सकते हैं। एंड गाइस इसमें मतलब यकीन मानिए बहुत ही कमाल का परफॉर्म करता है वॉइस चेंजर। मैंने अभी रिसेंटली पोको F5 में टेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी वीडियो आएगा, लेकिन वही क्लियरली कह सकता हूँ कि जो पोको M6 Pro में प्रोवाइड करता है वॉइस चेंजर एक्यूरेसी, वो बहुत ही कमाल देखने को मिलता है कंपेयर टू पोको F5। उतना महंगा फ़ोन से भी वो बेटर प्रोवाइड कर रहा है पोको M6 Pro, तो इसका वॉइस चेंजर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर ले तो 60 FPS पे प्ले कर रही है अभी जैसे पता है, बट गाइस ये भी 60 FPS नहीं प्रोवाइड करता है, एंड यहाँ पे भी आपको मतलब हल्के फुल्के जीटर्स देखने को मिल जाते हैं लंबे समय तक गेमिंग करेंगे तो। इसका फुल बैटरी ड्रेन हमने टेस्ट किया है तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो वैसे आप वीडियो नहीं देखें तो चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में मालूम चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जीटर हल्के फुल्के आपको देखने को मिल जाएंगे लंबे समय तक प्ले करेंगे तो, बाकी लैग वैग देखने को नहीं मिलता है इसमें, इतना तो मैं कहूँगा। बाकी 60 FPS भी ये प्रोवाइड नहीं करता है, अप्रॉक्स 50 के रहता है और ठीक ठाक मतलब गेमिंग करा देता है, यहाँ पे आप कोई इससे मेजर शिकायत नहीं रहता है। बट वही बात है कि भाई इसका जो सॉफ्टवेयर है MIUI है भाई, आपको पता है कि MIUI का कैसा हाल होता है, एंड बजट में स्पेशली इनका ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल यूज़ में कभी कभी जीटर्स मिल सकते हैं, बट लावा में भाई मुझे वो चीज़ें फेस नहीं हुई। लावा का जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे थोड़ा बेटर लगा इसके मुकाबले, तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि लावा ब्लेज प्रो 5G इससे बेटर है लाइक फास्ट चार्जिंग के मामले में, फिर से डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि भाई पोको M6 Pro में सिर्फ और सिर्फ आपको 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट उसमें गाइस आपको 120Hz लावा में देखने को मिल जाता है। भाई कैमरा वगैरह आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है, 8 MP दोनों में ही है सेल्फी, एंड बैक दोनों में 50 MP है। डिज़ाइन तो वैसे दोनों का अच्छा है, बट लावा आपको प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलता है और पोको M6 Pro आपको ग्लास बैक में देखने को मिलता है, तो दोनों के कुछ अपने अपने एडवांटेज हैं, लेकिन क्लियरली मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप गेमिंग के लिए बाई करना चाहते हैं तो लावा आपके लिए बेटर होगा, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्त गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट, टाइम देख सकते हैं आप 16 मिनट में ये भी 5% डिक्रीज किया है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैटरी बैकअप दोनों प्रोवाइड करते हैं, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, बट क्लियरली मैं यही रिकमेंड करूँगा गेमिंग के लिए लावा ब्लेज प्रो 5G। सो दोस्त यहाँ पे मदरबोर्ड का भी कोई इशू नहीं है पोको में अब आई थिंक, तो आप बाई कर सकते हैं चाहे तो पोको भी। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।